अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया लेक्चर शुरू करने लगे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। हमने ये पहले इससे पिछले चैप्टर ह्यूमन आई में पढ़ा था कि जब भी इंसान की आई के रेटिना पर इमेज क्लियरली फॉर्म नहीं होती, मतलब कि या तो उससे पहले आ जाती है या उसके बाद फॉर्म हो जाती है इमेज, तब वो उसको ब्लरी इमेज नज़र आती है। ये एक डिफेक्ट है बेसिकली। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज मतलब कि आपका लेंस प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहा है इमेज रेटिना पे। द डिफेक्ट ऑफ द विजन अराइज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली। ये उस वक्त आता है जब आपका आई लेंस जो है वो इफेक्टिवली अकोमोडेट ना कर पाए उस इमेज को। द इमेज इज फॉर्म्ड आर देयर फॉर ब्लर्ड, तो इमेज हमारी ब्लर हो जाती है। नियर साइटेडनेस मायसोपिया, अब ये एक मायोपिया सॉरी, अब नियर साइटेडनेस एक बीमारी है जिसको मायोपिया भी कहते हैं। रीडिंग करते हैं, सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स। कहते हैं कि कुछ लोग दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकते विदाउट आई ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स कहते हैं जिनको। दिस डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस एंड इट मे बी ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग। अब उसने अपनी रे डायग्राम के थ्रू समझाया है, लेकिन पहले रीडिंग क्लियर कर लेते हैं। रीडिंग पूरी करते हैं। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। अब उसने कहा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये है फिगर ए में, और अब ये आई बॉल है ना, ये बेसिकली लॉन्ग है एज कम्पेयर टू अ सिंपल आई बॉल। तो उससे क्या होता है नुकसान कि इमेज जो है ना वो रेटिना में फॉर्म नहीं हो रही होती लेंस की। ऑल दो लेंस रिलैक्स्ड है, लेकिन वो फिर भी उसकी इमेज अपनी उसमें फॉर्म कर ही नहीं पा रहा रेटिना पे। तो उससे क्या होता है कि इमेज पहले फॉर्म होती है, हमें सारा कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका एक उसने क्या बता दी, करेक्शन बता दिया। पहले पढ़ते हैं करेक्शन है क्या। द नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूज डाइवर्जिंग लेंस। अब उसने कहा कि ऐसी नियर साइटेडनेस को क्लियर करने के लिए हम कौन सी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं एक डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि हमने डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा था, कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो लाइट रेज हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, वो आती हैं आई की तरफ और पहले डाइवर्ज हो जाती हैं और फिर वो कन्वर्ज होती हैं आई लेंस से, और फिर जो इमेज है वो दोबारा रेटिना पे ही फॉर्म्ड होती है, ठीक है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। इससे क्या होता है कि आई पहुँचने से पहले डाइवर्ज हो जाती हैं। टू द ऑब्जर्वर दिस लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर देयरफॉर फोकस्ड ऑन द रेटिना दस फॉर्मिंग अ शार्प इमेज। अब आई को क्या अपीयर होता है, आई को यही अपीयर होता है कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये फार पॉइंट पे है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इस तरह हम क्लियर इमेज देख पाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन का, दूसरा कॉन्सेप्ट है फार साइटेडनेस, हाइपर मेट्रोपिया। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटेडनेस। अब पहले हमने शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में पढ़ा था कि हम दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, फार साइटेडनेस में हम करीब की इमेजेस के बीच डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ क्या है। ये कह लें कि हमारी रेजोल्यूशन की पावर कम हो जाती है कि हम दो नियर पॉइंट्स का आप क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते। व्हेन फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ एज मच एज इट कैन। मतलब कि फोकल लेंथ आपकी जितनी कम हो जाती है आपका लेंस उतनी कर देता है। हाउएवर इवन एट इट शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी। लेकिन उसके बावजूद कि ये सबसे कम है, ये फिर भी इतनी स्मॉल नहीं है कि वो उसको पढ़ सके। देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। इससे क्या होता है कि इमेज फॉर्म तो होती है लेकिन बिहाइंड द रेटिना होती है और हमें ब्लर्ड इमेज नज़र आ रही थी, क्योंकि हमने तो इनपुट जो लेना है वो किससे लेना है, रेटिना से लेना है ना। तो रेटिना पे इमेज तो फॉर्म ब्लर हो रही है तो हमें ब्लर ही नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो उसकी करेक्शन क्या है, आप देख सकते हैं कि उसने कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली, और हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं फार साइटेडनेस को ख़त्म करने के लिए। द
द लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज एंड देन एंड दे कन्वर्ट्स टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। इसमें क्या होता है कि हमारी इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो रही होती है, रेटिना पे। टू एन ऑब्जर्वर दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट टू फॉर्म अ शार्प वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना। अब ऑब्जर्वर आई को, मतलब हमारी आई को तो ये दिख रहा होता है कि ये इमेज जो है ना वो हमारे बहुत करीब है, मतलब नियर पॉइंट पे है, लेकिन बेसिकली होता है वो बहुत करीब है हमारे, ये इसकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्योंकि इससे होता क्या, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर देता है ये वाला लेंस इधर, और हमारी आई को ये वर्चुअल इमेज नज़र आ रहा होता है, हमें लगता है कि ये हमारे नियर पॉइंट पे है, लेकिन बेसिकली उससे भी कम डिस्टेंस पे असल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलें, ये चैप्टर ख़त्म होता है, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।